Newspaper archives? First row. क्यों छुपी हो? बाहर आ जाओ, आओ, संभल के बैठ जाओ। क्या हुआ तुम्हें? मैं लातूर गांव की रहने वाली हूँ और मुझे रमेश भाई ने काम दिलवाने के लिए मुंबई लाया, पर उन्होंने मुझे किसी और को बेच दिया और मुझे वहाँ पे जबरदस्ती गोवा ले जा रहे हैं और मेरी जैसे कई सारी लड़की आगे के डिब्बे में, लेकिन मैं फिर से स्टेशन पे किसी तरह वहाँ से भाग कर यहाँ छुपी थी। रो मत, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। नहीं होगी, चल जल्दी कर। ए, किसी बच्ची को देखा क्या? फ्रॉक पहनी हुई थी। 10 रुपया दो। यार 3000 तक तो जाएगा। चल छोड़ दे लड़की को, चलो। कुछ नहीं। अगले स्टेशन पर उतर कर मुंबई चले जाएंगे। हम तो मुर्गी के बच्चे के लिए इतना घूम रहे थे, फिर खुद ही मुर्गी मिले तो छोड़ देंगे क्या? दीदी कुछ करो ना।
कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कहाँ, गोवा में हो? नहीं सचिन, मैं वापस मुंबई जा रही हूँ। क्या? बहुत लंबी कहानी है। इस ट्रेन में 25 लड़कियों को कुछ गुंडे किडनैप करके गोवा ले जा रहे थे। मैंने उन्हें किसी तरह बचा लिया, अब उन्हीं को लेकर मैं वापस मुंबई जा रही हूँ। क्या तुम ठीक तो हो ना? मुझे ठीक से बताओ क्या हुआ। घबराओ मत, मुझे कुछ नहीं। Are you sure? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा, really? तुम भी ना कल्पना। वैसे तुम्हारी यही आदत मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। कौन सी आदत? दूसरों को मदद करने की। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम किसी गेट के पास कुछ अपाहिज लड़कियों को अंदर जाने में मदद कर रही थी। तुम्हें कैसे पता? अरे अभी तो बहुत सी चीजें जो मैंने तुम्हें नहीं बताई, सुनोगी तो चौंक जाओगी। नाटक मत करो, बताओ। हाँ ऐसे नहीं, जब मैं तुम्हें बताऊंगा तब मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ, इसलिए लौट कर ही बताऊंगा। चलो मैं चलता हूँ। टेक केयर, बाय। पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लड़कियों के अपहरण और अंग व्यापार से जुड़ी हुई। बीती रात मुंबई में हुए इस खुलासे से लोग सन हैं। उत्तर भारत के छोटे छोटे गांव और कस्बों से 25 लड़कियों को नौकरी के बहाने मुंबई से गोवा ले जाया जा रहा था। कल्पना नाम की एक लड़की ने अपनी जान पर खेलकर कुछ सैनिकों की मदद से इन तमाम लड़कियों को बचाया है। जांच के बाद पता चला है कि इन लड़कियों के अंगों की तस्करी की जा रही थी। ऑपरेशन के जरिए इनमें से कई लड़कियों की किडनी निकालकर बेच दी गई थी। यही नहीं, इन्हें मुंबई से गोवा ले जाकर जिस्म फरोशी के धंधे में धकेला जाने वाला था। देश भर में लड़कियों की खरीद फरोख्त का ये धंधा बड़े पैमाने पर चल रहा है और जांच में ये बात सामने आ रही है कि इसमें किसी बड़े आदमी का हाथ हो सकता है। बचाई गई इन लड़कियों की मदद से पुलिस देश भर में छापे मार रही है और जिन लोगों पर शक है उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। हालांकि इसमें बड़ी संख्या महिलाओं और लड़कियों की है और करीब 50% से ऊपर तो बच्चे हैं। हेलो जी, मैं कांस्टेबल वैजयंती बोल रही हूँ, बॉम्बे म्युनिसिपल हॉस्पिटल से। हाँ वैजयंती जी बोलिए। जी देखिए, मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया है कि आपने यहाँ पर 25 लड़कियाँ भेजी थी। हाँ जी जी, उसमें से 2 गायब हैं। उनका क्या हुआ? कुछ नहीं मालूम। अब प्लीज़ यहाँ पर आकर चेक कर लीजिए। और ये मैंने आपको इन्फॉर्म किया, ये किसी को मत बताइएगा, इसके पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है। मैडम आप अभी इस वक्त जाइए, सुबह आ जाइए, सुबह सब लड़कियों का डिस्चार्ज हो जाएगा, जाइए। मैं 25 लड़कियों को लाई थी, यहाँ पे सिर्फ 23 है, 2 लड़कियाँ कहाँ है? नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हो गई है, आप 23 ही लड़कियाँ लाई थी। झूठ मत बोलो, मेरे पास सबके नाम की लिस्ट है। ठीक कह रही है, 25 छोरियों ने लाई थी तू। कौन हो तुम? गजनी, गजनी धर्मात्मा। 25 छोरियों में से 23 ने मेरे आदमियों पे उंगली उठाई, कोई बात नहीं भाई, लेकिन उन 2 छोरियों ने मेरे पे उंगली उठा दी। वो तो लड़कियां कहाँ हैं? काट के दरिया में फेंक दी। और कुछ पूछना चाहती है तू? जैसे दरिंदों की वजह से लड़कियां घरों से निकलने से डरती हैं। किन किन लोगों से डर के भागेगी लड़कियां? धर्म और मजहब के रखवालों से, डॉक्टरों से, काम करने की जगह में, स्कूल्स और कॉलेजेस में। Hello.